स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, लेक्चर थर्ड स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, हम लास्ट क्वेश्चन रिंग वाला किया था कि रिंग के दो रिंग दे रखी हैं हमें और एक चार्ज को मूव करवाना है तो वर्कडन कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको एक रोड दे रखी है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, उसकी लेंथ एल है, एक एंड से डिस्टेंस एल पे एक पॉइंट है, यहाँ आपको पोटेंशियल निकालना है। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस एल फ्रॉम वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रोड ऑफ लेंथ एल। यू आर गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रोड इज लैम्डा विच इज यूनिफॉर्म। पर देखो, जब भी हम अगर बातें करते हैं जहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हमें एक छोटा सा पार्ट अज्यूम करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने इस रोड में एक छोटा सा हिस्सा ये वाला मान लिया, इसकी विड्थ डी एक्स ले ली, इस पर चार्ज डी क्यू है और इस पॉइंट से डिस्टेंस एक्स पे है ये। अब हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे। पहले स्मॉल चार्ज है तो पोटेंशियल भी स्मॉल आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल चार्ज डी क्यू इक्वल्स टू डी वी। फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, तो के जहाँ पे क्यू है वहाँ पे क्या आएगा डी क्यू, और आर वहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स, तो के डी क्यू बाई एक्स, इसको के क्यू बाई आर समझ सकते हैं आप लोग। अब व्हाट इज डी क्यू, डी क्यू को मैं लिखूंगा यहाँ से लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स होता है, तो डी क्यू होगा लैम्डा इंटू डी एक्स, ये वाले यहाँ पुट कर देंगे तो k लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स। ये स्मॉल पोटेंशियल आ गया इस छोटे से चार्ज का इस पॉइंट पे। टोटल निकालना, इंटीग्रेशन कर दो। अब x वेरिएबल है भाई, यहाँ देखो dx एक्स मीन्स एक्स वेरिएबल है तो लिमिट्स x की फॉर्म में आएंगी। x स्टार्ट कहाँ से हो सकता है, यहाँ से, ये लेंथ कितनी है l, मैक्सिमम कहाँ जाएगा x, यहाँ तक, ये कितनी हो बेटा 2l। फिर सुने, वेरिएबल x है, x स्टार्ट यहाँ से होगा, ये डिस्टेंस होगी l, मैक्सिमम जाएगा यहाँ तक, ये होगी 2l, तो लिमिट्स आएंगी l से लेके 2l k लैम्डा dx एक्स अपॉन एक्स। नेक्स्ट, k लैम्डा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया यहाँ से dx एक्स बाई एक्स एल टू 2l। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बार बार सिखा रखा है, log ऑफ x आएगा, तो k लैम्डा log ऑफ x एल से 2l, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा, तो 2l यहाँ गया, फिर l पुट किया माइनस आके यहाँ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग a माइनस लॉग b इक्वल टू होता है लॉग a अपॉन b, तो लॉग a 2l, b क्या है l, l से l कैंसिल, k लैम्डा लॉग 2, k की वैल्यू पुट करना चाहो कर सकते हो आप लोग, v इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग 2। ये पोटेंशियल आपके पास आ गया इस पॉइंट पे ड्यू टू द रोड ऑफ लेंथ एल। उसके बाद हम टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैंने पहले नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, या नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि वीडियो छोटा बने और जल्दी से अपलोड हो जाए, इसलिए मैंने पहले सब कुछ लिख लिया है, आपको समझा देता हूँ मैं। अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, हमने ये पहले पढ़ा था। कोई भी डाइपोल है, अब तक सिंगल पॉइंट की बात कर ली मैंने यूनिफॉर्म चार्ज की बात कर ली, अब बेटा डाइपोल की हम बातें करते हैं। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। सिमिलरली वही केसेस यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सियल लाइन के लिए। ऑन एक्सियल लाइन हमारे पास ये कोई डाइपोल है ए बी, ए और बी, ए पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, बी पे कितना है प्लस क्यू, डाइपोल लेंथ 2a होगी बेटा हमारे पास। अब इस जो ओ डाइपोल सेंटर है, यहाँ से डिस्टेंस r पे मैंने एक पॉइंट k ले लिया, ओ डाइपोल सेंटर, यहाँ से अलोंग द एक्सिस मैंने पॉइंट k लिया है, डिस्टेंस r है सेंटर ऑफ डाइपोल से। अब बेटा करना क्या है, एक बार इसका पोटेंशियल निकाल लो और एक बार इसका यहाँ पे निकाल लो,
क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड करना हमें, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए, ए पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। पोटेंशियल कैसा आएगा? नेगेटिव। वी ए इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाई, डिस्टेंस कितनी हुई? अब भाई फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, तो डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस होगी यहाँ से लेंगे और यहाँ तक, ये बेटा आर है और प्लस ये हमारे पास क्या है? ए। तो डिस्टेंस होगी आर प्लस ए, पॉइंट ए से और के तक की बात कर रहा हूँ मैं, सीधा लिखा मैंने, से एक स्टेप काट दिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना बने लेक्चर। वी ए इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए। सिमिलरली इसका पोटेंशियल निकाल लो। अब ये डिस्टेंस कितनी बचती है हमारे पास? आर, इसमें से ए कम कर दो तो आर माइनस ए। पोटेंशियल एट पॉइंट के ड्यू टू चार्ज एट बी, बी पे चार्ज पॉजिटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए। इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, दोनों को सम अप कर दें। सो टोटल पोटेंशियल निकालना हमें पॉइंट के पे, इन दोनों को सम कर देंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट के इक्वल टू पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, के क्यू कॉमन, इसमें माइनस है इसको मैंने पीछे कर दिया, इसमें प्लस था इसको मैंने आगे ले लिया, तो वन अपॉन आर माइनस ए माइनस वन अपॉन आर प्लस ए। अब इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आर प्लस ए, इधर आएगा आर माइनस ए, ये जो माइनस है इसे साइन क्या होंगे? चेंज। तो माइनस का आर प्लस का ए, आर से आर कैंसिल, टू ए हो गया, क्यू इंटू टू ए, ये बन जाएगा पी। नीचे देखो आर माइनस ए और आर प्लस ए, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही मैंने यूज़ किया आइडेंटिटी यहाँ पे। तो आपके पास येगा के क्यू टू ए अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, बेटा क्यू इंटू टू ए आपके पास मिलेगा डायपोल मोमेंट पी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट के आपके पास आ गया के पी अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ पे आर और ए उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट डायपोल की बात करूँ तो डायपोल जो लेंथ है फॉर शॉर्ट डायपोल, जो ए है लेस देन आर, मीन्स डायपोल की लेंथ वो बहुत कम है और जो पॉइंट है वो काफ़ी दूर है, बेटा उस केस में हम ए को यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचेगा? के पी अपॉन आर स्केयर, बिकॉज ए स्केयर कैन बी नेग्लेक्टेड। ये पोटेंशियल आ गया ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑन द इक्विटोरियल लाइन, ऑन द इक्विटोरियल लाइन हम बेटा अगर बात करें, चलो देखो वही बात है, ये आपके पास डाइपोल ए बी, यहाँ चार्ज माइनस क्यू, यहाँ चार्ज प्लस क्यू, डाइपोल लेंथ 2a। अब की बार परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, डिस्टेंस r है डाइपोल सेंटर से। सिमिलरली जो पीछे क्या है वैसे ही करना है, एक बार पोटेंशियल a का निकाल लें, फिर पोटेंशियल b की वजह से निकाल लें, दोनों को सम अप कर दें। यहाँ चार्ज माइनस है, पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, तो वी ए इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपको ये यूज़ करनी है, तो ये हो गया ए, ये हो गया आर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। पोटेंशियल एट पॉइंट के ड्यू टू चार्ज एट ए इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट के ड्यू टू चार्ज एट बी, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, पोटेंशियल कैसा आएगा? पॉजिटिव, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, बिकॉज डिस्टेंस दोनों बराबर ही है हमारे पास। अब टोटल निकालना है तो सम अप कर दो, वी के इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, ये बेटा नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव, टोटल क्या बचेगा? जीरो। तो इक्विटोरियल लाइन, या मैं कहूँ इक्विटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल, उसके ऊपर पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। डाइपोल की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दें, डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे या इक्विटोरियल प्लेन पे, अगर मैं थ्री डी में बात करता हूँ तो ये प्लेन बन जाएगा, प्लेन पे भी पोटेंशियल क्या होगा? जीरो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, ध्यान रहे, पोटेंशियल जीरो होता है। अब हमने दोनों के डिस्कस कर लिए, एक्सियल भी एज वेल एज इक्विटोरियल पॉइंट पे। बेटा कुछ बातें देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूँ,
अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है 1/r². डाइपोल में करता है 1/r³। इसी तरह अगर मैं पोटेंशियल की बातें करूं तो पॉइंट चार्ज में वेरी करता है 1/r और डाइपोल 1/r², मीन्स यहाँ पे r की एक पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों केस में, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो या बस क्या हो बेटा वो डाइपोल हो। ये आपके पास एक्सियल और क्या कवर हो गया, इक्वेटोरियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये, अगर आप एनसीईआरटी में जाओ किसी और बुक में जाओगे तो बड़ा लंबा घुमा फिरा के दे रखा है कि डिस्टेंस यहाँ से ये निकालो, यहाँ से ये निकालो, ट्रायंगल लो लगाओ, पैरेललोग्राम लो लगाओ एटसेट्रा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया है सिमिलरली वैसे ही पढ़ेंगे इसको हम। हमने मान लिया वही आपका डाइपोल ए बी, माइनस क्यू और प्लस क्यू। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट इधर काम कर रहा है पी। मैंने इस डाइपोल को दो पार्ट में रिजोल्व कर लिया, एक इधर कर लिया एक इधर कर लिया। अगर ये एंगल में थीटा मानूं तो पी कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको ऐसे पढ़ाया गया होगा कि कंपोनेंट कर लिए अपने डाइपोल के, एक पी कॉस थीटा एक क्या आएगा पी साइन थीटा। अब जो पॉइंट के है वो पी कॉस थीटा इस डाइपोल के लिए, इस डाइपोल के लिए कहाँ पर लाई करता है ऑन द एक्सियल लाइन, और इसके लिए कहाँ लाई करता है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। देखो परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसको थोड़ा मैं नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, दिस इज A1 B1, दिस इज A2 B2, बिकॉज थ्योरी मैंने ऐसे लिख दिया है। A1 B1 के लिए तो अलोंग द एक्सिस आ गए, और A2 B2 के लिए हम आ गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये डिस्टेंस। तो बेटा एक्सियल का रिजल्ट आपको पता है, इसका रिजल्ट पता है आपको, आपको रिजल्ट इसका पता है, पीछे हमने भी पढ़ा है। फॉर डाइपोल A1 B1 पॉइंट के लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा KP/, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये फॉर्मूला था एक्सियल के लिए KP/r² या फिर KP/r² - a², यहाँ पे P था, इसमें हमारे पास क्या है पी कॉस थीटा है, तो P की जगह मैंने पी कॉस थीटा यूज़ कर लिया, KP cos θ/r² - a², ये पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट पे इसकी वजह से। अब ये जो आपका डाइपोल है A2 B2, इसके लिए कहाँ पे गए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है। अब कुछ बच्चे लिखेंगे KP r sin θ, लेकिन बेटा ये मैंने जानबूझ के लिख के काटा है, क्योंकि आप ये गलती करोगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है तो जीरो लिखना है। अब एक्सियल का भी, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, टोटल निकालने तो सम अप कर दें। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर दो इसमें, अब जीरो ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट यही बचेगा। मींस यू विल गेट VK = KP cos θ/r² - a², ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया एट एनी पॉइंट। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ थोड़ी देर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, उसका रिजल्ट था आपके पास KP/r³√3cos²θ+1, अगर आपको याद है तो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, पोटेंशियल की बातें हो रही है, तो डिफरेंस आप देख लें क्या है। उसके बाद कुछ छोटा सा केस डिस्कस कर लेता हूँ। आज का तीन टॉपिक डिस्कस हो गए हैं, ये एक लेक्चर सुबह आ चुका पहले। अगर डाइपोल बेटा शॉर्ट है, डाइपोल क्या है हमारे पास शॉर्ट, तो इस ट्रम में से ये A² हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास पीछे, आपके पास बचेगा ये KP cos θ/r² फॉर शॉर्ट डाइपोल। आपका फॉर्मूला ये काम करेगा, डाइपोल शॉर्ट नहीं है तो फॉर्मूला आपका काम ये करेगा। ओके, नाउ फर्दर डिस्कशन हम करें इसमें आगे। तो अगर मैं थीटा को 0° ले लूँ, थीटा जीरो का मतलब क्या हो गया, देखो डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर ये एंगल जीरो होगा तो ये जो पॉइंट था डाइपोल ऐसे था, ये आपका इधर आ जाएगा, इधर आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सी लाइन होगी एक्सियल लाइन। और थीटा को अगर मैं 90 कर दूं, ये थीटा है, 90 कब होगा, यूं हो जाएगा, ये आपके पास क्या जाएगी इक्वेटोरियल लाइन आ जाएगी हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा अगर जीरो है तो हम कहाँ पे हैं, एक्सियल लाइन पे,
तो cos 01 रिजल्ट आपका पहले वाला आ गया। थीटा अगर 90 हम कहाँ पे हैं, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हैं, cos 90 जीरो जीरो, यहाँ से हम पीछे वाला रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं इनकी फोटो अभी आपका पिक्स आपके ग्रुप में भेज दूंगा अभी अभी, तो वहाँ से नोट डाउन कर लेना प्रैक्टिस के लिए। और लेक्चर आपने देख लिया है, फिर भी अगर कोई डाउट आपके पास आते हैं तो मैंने आपको बता रखा है, डाउट आप कभी पूछो मेरे से, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं इस टॉपिक के एनसीईआरटी से और दिनेश वाली बुक से, ठीक है। और घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, घर के अंदर रहें, आराम से हेल्दी रहें। ओके, थैंक यू।